अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल टेंस को डिस्कस किया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? दिस टेंस शो दैट एक्शन हैज कनेक्शन विद द पास्ट। वो टेंस जो जिसकी कोई कनेक्शन पास्ट से हो। When an action which started in a past but finished in present, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन जो सब्जेक्ट ने पास्ट में शुरू किया और प्रेजेंट में उसकी इख्तिताम कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट इज ऑल्सो यूज विथ जस्ट, ऑलरेडी एंड येट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम जस्ट, ऑलरेडी और येट के साथ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर्मेशन इसकी क्या है? इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसका काम यह है कि वो आपको टेंस के मुतल्लिक बताता है कि ये कौन सा टेंस है, और मुख्तलिफ जो भी टेंसेज हैं उनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं दे आर यूज टू इंडिकेट द टेंस। सो वेन अ रीडर रीड्स अ सेंटेंस, सो ही अंडरस्टैंड्स एंड नोज दैट to which tense this sentence belongs, so it with the help of a helping verb। एक तो has है और second have है, ये दोनों helping verbs हैं of this tense। has को हम he के साथ इस्तेमाल करते हैं, he has, she has, it has, या कोई भी singular name हो उसके साथ हम has को इस्तेमाल करते हैं। have को हम जमा के साथ इस्तेमाल करते हैं, I भी यहाँ पर है, आई है तो सिंगुलर, बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस वी यूज़ आई विथ हैव। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, या कोई भी एक या सॉरी दो या दो से ज़्यादा जो अगर कोई चीज़ें हो, कोई पर्संस के नेम हो या एनिमल्स हों, तो उसके साथ भी हम हैव इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी एग्जांपल को हम देखेंगे। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल हम इस्तेमाल करते हैं, या सिंपली मैं अगर कहूँ के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी मेन वर्ब की हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गॉन, डन, रिटन, प्लेड, कुक्ड। ये वो अल्फाज हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म अगर मैं कहूँ तो गॉन की फर्स्ट फॉर्म है गो, डन की है डू, एंड रिटन राइट का थर्ड फॉर्म है, प्लेड प्ले का थर्ड फॉर्म है, कुक्ड कुक का थर्ड फॉर्म है। तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इनके साथ इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, शी हैज़ गॉन आउट, वो बाहर चली गई है या वो बाहर जा चुकी है। देयर हैज़ बिन एन एक्सीडेंट, वहाँ पर कोई हादसा हुआ है, हुआ है। फातिमा हैज़ कुक्ड मैनी डिशेज, द प्रिंसिपल हैज़ जस्ट कॉल्ड अ मीटिंग, द पुलिस हैज़ ऑलरेडी अरेस्टेड देम, शी हैज़ नॉट फॉरगिवन यू येट। अब ये वो टेंस, ये वो सेंटेंसेस हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं जिसमें कोई ऐसा काम जो कि कंप्लीटेड है, यहाँ पे जो भी एक्शंस हैं वो कंप्लीटेड हैं। आई हैव लॉस्ट माय अम्ब्रेला मींस आई हैव फुल्ली लॉस्ट माय अम्ब्रेला। अगर मैं कहूँ आई हैव पोस्टेड द लेटर, आई हैव पोस्टेड योर लेटर, मतलब मैंने आपका जो ख़त था, जो लेटर था, वो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, वो मैंने टपाल में मैं भेज चुका हूँ। मतलब जो एक्शन था वो कुछ वक्त पहले, ज़ाहिर ही बात है अगर मैं किसी चीज़ को, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुक है, अगर इसको मैं पोस्ट करूँगा तो यहाँ से निकलूँगा। मतलब आई हैव स्टार्टेड द डूइंग ऑफ सच एक्शन फ्राम दिस टाइम, यहाँ से घर से निकलूँगा और पोस्ट ऑफिस जाऊँगा। मतलब ये ऐसा कोई काम, कोई ऐसी एक्शन सब्जेक्ट जो कि पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में जाकर वो ख़त्म हो, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि तीन अल्फाज हैं जैसे जस्ट है, ऑलरेडी है एंड येट है, इनको भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रिंसिपल हैज़ जस्ट कॉल्ड अ मीटिंग मीन्स अभी, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले से ही, मतलब कोई ऐसा काम जो कि इन अ शॉर्टर पीरियड, बिफोर अ शॉर्टर पीरियड अगर कोई एक्शन स्टार्ट हो तो वहाँ पर हम जस्ट इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी मतलब कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन जो कि कुछ वक्त
पहले ही वो काम हो चुका है। उसके बाद जो येट है, येट को हम नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। शी इज़ नॉट फॉर गिवन यू येट, उसने अभी तक आपको माफ़ नहीं किया है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इससे जो है ना वो एक्शन मैंने आपको बताया जो कि पास्ट में शुरू किया गया और उसके बाद जो है प्रेजेंट में उसकी इख्तिताम की जाए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा,